व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो आज हम एक बहुत ज़रूरी बढ़िया काम के लिए जा रहे हैं। बढ़िया काम बोले तो कि हमने अभी जो गाड़ी ली थी और गाड़ी में एक फीचर के बारे में हमने चेक किया था कि वो फीचर है, वो कैसे यूज़ करना है वो मुझे नहीं पता था, बट आज मैं उस फीचर को यूज़ करने वाला हूँ और आपको भी बताने वाला हूँ कि वो कैसे यूज़ होगा। वो फीचर के बारे में बात करें और वो फीचर के बेनिफिट भी बहुत हैं, तो आज उसी फीचर को यूज़ करने के लिए पहले बेल्ट लगा लेते हैं। सो आज उसी फीचर को यूज़ करने के लिए हमें जाना है लॉन्ग रूट पे थोड़ा सा। तो लॉन्ग रूट बोले तो मैं और प्रिंस हम कुछ खाने पीने जा रहे हैं कि चलो मॉर्निंग में सुबह सुबह चलते हैं कहीं पे, कुछ परांठे वरांठे खाने चलते हैं। सो फीचर के बारे में बताऊं तो फीचर था ये वाला जिसको कहते हैं क्रूज कंट्रोल। मैंने अभी तक इसमें यूज़ नहीं किया था, तो आई थॉट कि इसी बहाने एक छोटी सी ड्राइव भी हो जाएगी और साथ के साथ हम बढ़िया से एक इसको भी टेस्ट कर लेंगे कि कैसा चलता है, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखी, कुछ कहते हैं कि 40 के बाद जाके क्रूज कंट्रोल ऑन होता है, कुछ कहते हैं कि 50 के बाद जाके ऑन होता है, कुछ पे 60 के बाद। तो एग्जैक्टली क्या है, किस तरह से है, तो पूरा चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे चलता है और क्या बेनिफिट है। बेनिफिट तो आपको पता ही है, जैसे कि अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो तो आपको क्रूज कंट्रोल दबा दो तो आपको रेस के ऊपर पैर नहीं रखना पड़ेगा, आपकी रेस एक कांस्टेंट फिक्स हो जाएगी। इसमें ये भी है कि आप रेस की कांस्टेंट फिक्स तो हो जाएगी, अगर आपको स्पीड बढ़ानी है या कम करनी है तो वो आप यहीं पे बटन के साथ प्रेस करके कर सकते हो। तो उसकी भी पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे यूज़ करना है, क्या करना है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं फटाफट और वीडियो में बने रहना। वीडियो आपको पसंद आएगी और पिछली वीडियो आपने देखी तो लाइक करो उस वीडियो को भी, इसको भी लाइक कर दो, कमेंट करना बढ़िया सा आपको बेस्ट पार्ट क्या लगता है, और चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जैसे ही मेरे 3000 सब्सक्राइबर होंगे तो मैंने GoPro लिया था और वीडियो क्वालिटी अच्छी होगी। मैंने प्रॉमिस किया था जैसे ही मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं एक DSLR या मिररलेस कैमरा ले लूँगा। तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं एक बढ़िया सा कैमरा ले लूँ, मेरा बड़ा मन है कैमरा लेने का। तो चलते हैं फटाफट से। सो अभी मैं आया हूँ प्रिंस को पिक करने, तो बताओ यार गॉगल्स कैसा लग रहा है। तो ये बहुत पहले कपड़ा हुआ था, मैं पहनता नहीं था, तो मैंने कहा चलो धूप ज़्यादा है आज बाहर निकले हैं तो पहन लेते हैं। सो अभी प्रिंस का वेट कर रहा हूँ, प्रिंस आएगा तो बस उसके बाद निकलते हैं हम इसको टेस्टिंग करने और बढ़िया से कुछ खा पी के आते हैं। बहुत दिन हो गया, बहुत टाइम हो गया कि बाहर का नहीं खाया। हाँ बट अपने लोकल का एरिया का तो मैं खा ही लेता हूँ, बट जो मुझे जो ये ढाबे होते हैं ना, जो हाईवे वाले ढाबे, वहाँ के मुझे परांठे बड़े पसंद हैं और साथ में छाछ बड़ी पसंद है। छाछ तो घर पे भी पीते रहते हैं बट वहाँ ढाबे में खाने का मज़ा ही अलग है। तो अभी फटाफट से निकलते हैं। और आज मैंने थोड़ी सी गाड़ी भी अंदर से साफ करी है, तो बताओ यार कैसी चमक रही है, मज़ेदार लग रही होगी। तो इसको भी चेंज करना है, ये परफ्यूम है बेसिकली, इसमें से इत्र की खुशबू आती है तो आजकल नहीं आ रही है, गर्मियों में थोड़ी सी खुशबू कम हो चुकी है, तो इसको चेंज करेंगे, नया लेके आएंगे वो लगाएंगे। प्रिंस आ गया, क्या हाल चाल प्रिंस? बढ़िया। और की चल रहा है आजकल? है बाद इस रूट पे निकले हैं, क्योंकि मेरे को एक साल हो गया मैं ऑफिस नहीं गया, तो एक साल से इस रूट पे नहीं आए हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है यार। पहले जब मैं आता था तो बहुत ज़्यादा रश होता था, क्योंकि मॉर्निंग जिस टाइम पे मैं ऑफिस जाता था तो बहुत ट्रैफिक होता था, बट इस टाइम पे तो बिल्कुल खाली साफ सुथरा लग रहा है, मज़ेदार। हम आए हैं एम्बियंस मॉल के पास। तो गाइस एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं आपको, तो जब लास्ट में ऑफिस आ रहा था तो यहाँ पे ना एक बिल्डिंग बन रही थी, तो बिल्कुल अभी कुछ भी नहीं बना था, तो अब मैं देख रहा हूँ तो वो पूरी बन चुकी है। हैव अ लुक,
ये वाली बिल्डिंग बिल्कुल नहीं बनी थी और अब पूरी बन चुकी है। और ये वाली बिल्डिंग जो सी है ये कवर थी क्योंकि अंदर से काम चल रहा था बट बाहर से कुछ नहीं दिखता था, बट ये भी पूरी बन चुकी है तो बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो क्रीम कलर की बिल्डिंग है ये मेरा ऑफिस है। अगर तुम लोगों का भी ऑफिस इसी में से किसी बिल्डिंग में से है तो कमेंट करो कि तुम्हारा ऑफिस कौन सी बिल्डिंग से है। अभी नॉर्मल चल रही है गाड़ी, मैंने क्रूज कंट्रोल की लाइट जला दी, उसके बाद अगर मैं ये सेट पे दबाऊंगा तो ये नहीं होगा क्योंकि मेरी गाड़ी की स्पीड कम है। अब मुझे क्या करना होगा कि क्रूज कंट्रोल जैसे मैंने बंद कर दिया, सपोज मैं हाईवे पे हूँ, क्योंकि कम स्पीड पे ये इसलिए नहीं चलता क्योंकि हमारे को क्रूज कंट्रोल हाईवे के लिए ही है, नॉर्मल रोड्स के लिए नहीं है। तो हाईवे पे क्या करना है, जैसे हम आगे 50 की स्पीड पे आगे क्रूज कंट्रोल दबाया, लाइट चल गई, यहाँ पे सेट प्रेस किया तो यहाँ देखो, अब देखो, अब आप देखोगे तो मैंने पैर हटा लिया अपना रेस से और रेस कांस्टेंट रहेगी 60 की। जो मैं सेट कर दूंगा, अभी जैसे मैंने 50 की करी है तो मेरी कांस्टेंट स्पीड रहेगी 50 की। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस मेरे को अपना एक पैर ब्रेक के ऊपर रखना है, जो मुझे इमरजेंसी में अगर मुझे कोई भी जहाँ पे मुझे ब्रेक मारनी पड़ेगी तो वहाँ मैं ब्रेक मार सकता हूँ। एक बेनिफिट बहुत अच्छा है इसमें, अगर मैं ब्रेक मारता हूँ तो जो क्रूज कंट्रोल है मुझे खुद मैनुअल बंद नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। अभी देखो ये चल रहा है, तो सपोज मेरे को अब आगे रास्ता खाली आ गया और मुझे थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे है रिज्यूम का बटन और ये है सेट का बटन। जब आप सेट कर देते हो आपका क्रूज कंट्रोल तो ये एज अ स्पीड अप का बटन काम करेगा और ये स्पीड डाउन का बटन काम करेगा। तो अब देखो, अब स्पीड देखो बढ़ रही है, वहां पे अगर आप मीटर पे देखोगे, और मेरा मैंने पैर नहीं रखा हुआ, मैं यहीं से कर रहा हूँ, ये देखो अब ये 60 की होगी। तो सपोज अगर मेरे को आगे कुछ आया, कुछ नहीं आया, बस मेरे को थोड़ी सी स्पीड स्लो करनी है तो ये मैं कम कर दूंगा। अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस देख रही, और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने ब्रेक मारी वो देखो क्रूज कंट्रोल बंद हो गया। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि मेरे को क्रूज कंट्रोल मैन्युअली बंद नहीं करना पड़ेगा। सपोज अगर मैं क्रूज पे चला रहा हूँ और लॉन्ग रूट के ऊपर हूँ और मुझे ब्रेक मार के अगर खुद मैनुअल बंद करना पड़े तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी क्रूज कंट्रोल कभी भी मैनुअल वर्क नहीं करता, वो हमेशा ऑटोमेटिक वर्क ही करता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस पर। और अगर मैं इसमें जैसे क्रूज कंट्रोल के साथ में गियर भी चेंजेस कर सकता हूँ, तो एक बार अभी आगे थोड़ा सा एरिया जैसे साफ हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे गियर शिफ्टिंग कैसे कर सकते हैं क्रूज कंट्रोल के साथ। हम आए हैं मन्नत मानेसर कुछ खाने पीने, और आपको जो गियर शिफ्टिंग का दिखाना था वो पहले हम पेट पूजा कर ले, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या है वो। तो चलो वीडियो में बने रहो और आपको बढ़िया सी डिशेस खिलाते हैं, मतलब आपको नहीं खिलाते, हम खाते हैं, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। अभी जैसे ही हमारे पास आया पराठा, खाने में इतना मनमोहित हो चुके थे कि वीडियो शुरू करी नहीं, तो खाने के थोड़ी से देर बाद वीडियो शुरू कर रहे हैं। मज़ेदार स्वाद है। तो प्रिंस मज़े आ रहे हैं, कितने टाइम बाद खा रहे हैं पता ही नहीं कितने टाइम बाद खा रहे हैं। तो फटाफट से खा लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं, यहाँ से ना शेड अच्छा नहीं आ रहा, तो पहले खा लेते हैं फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। थंबनेल भी ले लिया और बढ़िया सा थंबनेल लिया है, एक आधी और पिक्चर भी क्लिक करी है तो वो आपको मिलेगी हमारे इंस्टाग्राम पे। नीचे अभी इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है तो जल्दी से जाओ और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो ताकि आपको डिटेल पहले ही पता लग जाए। सो अभी हम निकलते हैं आराम से, और जो आपको गियर के बारे में बताना था वो भी अभी साथ में थोड़ी सी आगे जाके बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा माहौल, जैसे जब ड्राइव शुरू करो ना तो थोड़ा सा माहौल बनने के लिए
एक आधा गाना सुन लेना चाहिए, एक दो गाने सुन लेने चाहिए, उससे क्या होता है कि आपका माहौल थोड़ा बन जाता है ड्राइव के ऊपर। फिर बातें करो ना तो अच्छे से बातें होती हैं। तो अभी बस मन्नत से निकले हैं तो हमारे को यहाँ से लगेगा करीब एक घंटा और डेढ़ बजे तक मैक्सिमम मुझे घर पहुँचना है क्योंकि वहाँ पर कुछ काम है। तब तक के लिए आप रोड को एंजॉय करो और मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि क्या है। देख रहे हो आप, ये है फोर्थ गियर पे, अभी फोर्थ गियर पे है, क्रूज़ कंट्रोल बंद है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको 50 से अबव करके क्रूज़ कंट्रोल को ऑन कर देता हूँ, देन इसमें आपको दिखाता हूँ कि गियर शिफ्ट कैसे कर सकते हो। तो एक बार 50 से अबव गई, ये क्रूज़ हो गया ऑन, मैंने रेस छोड़ दी। अब मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली जब मैं यहाँ पे गियर चेंज करूँगा तो अपने आप वो क्रूज़ ऑन ही रहेगा। तो अब देखो वो कंसिस्टेंट उसी पे रहेगा। अब मैं इंक्रीज़ करता हूँ रेस, तो यहाँ से मैंने रेस इंक्रीज़ कर दी, ये लो देखो 50 होगी। अब ये बिल्कुल 50 के ऊपर चलता रहेगा। ये जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे ये हाईवे के ऊपर आप प्रॉपर जैसे हाईवे की स्पीड अभी 80 की है, 80 लिमिट है, तो आप 70 के ऊपर या 80 के ऊपर क्रूज़ को सेट करके आप रख सकते हो। उससे क्या है कि आपको अपना एक पैर आपका फ्री हो जाएगा, तो आप बॉडी को रिलैक्स भी कर सकते हो लॉन्ग रूट। फिर इसमें क्या है कि आप जितना मर्जी दूर तक ले जाओ आप थकावट नहीं होगी ज़्यादा, और लंबी गाड़ियों में वैसे भी थकावट कम होती है। जैसे पहले मेरे पास सेंट्रो थी तो उसमें बहुत थकावट होती थी लॉन्ग रूट के ऊपर, बट उसके बाद मैंने जब होंडा सिटी ली थी उसमें भी थकावट बहुत कम होती थी, इसीलिए मैंने दोबारा होंडा सिटी ली है। हे भगवान मैं कितना बोलता हूँ। तो देखा आपने क्या बढ़िया तरीके से, तो मुझे और मैंने जैसे बताया था ना ब्रेक मारी, देखो ये क्रूज़ कट गया, तो यहाँ से मैं इसको डीएक्टिवेट कर दूँ, अब क्रूज़ बिल्कुल बंद हो गया। तो लोकल सड़कों के लिए आप क्रूज़ बंद कर सकते हो। अभी मैं फाइनली पहुंच चुका हूं और आपको आई होप पसंद आई होगी आज की वीडियो। तो क्रूज़ कंट्रोल बहुत मज़ेदार है, एक बार डेफिनेटली इसे आने वाले टाइम पे लॉन्ग रूट पे ट्राई करूंगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, लाइक करना, जो आपका दिल करे वो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आने वाले टाइम पे कुछ और वीडियोस आएंगी, अब ट्रिप्स भी आएंगी। मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय, दिस इज़ गुरप्रीत साइनिंग ऑफ, जय हिंद जय हिंद बाय।